Hellcat. Together.
तो अच्छे हैं, हम किसी की बहन बेटी पर नजर नहीं रखते, हम ड्रॉप पर नजर रखते हैं और हम किसी के दिल से नहीं खेलते, हम गेम खेलते हैं। जिस तरह एक मच्छर मार के आप शिकारी नहीं बन जाओगे, उस तरह एक कमेंट करके आप भिखारी नहीं बन जाओगे। माना कि बहुत कंजूस हो आप लोग, लेकिन कुछ MB बचाकर आप व्यापारी नहीं बन जाओगे। फ्री फायर एक अच्छा गेम है माना, पर उसमें कुछ अच्छी अपडेट आना बाकी है। सुनो, पबजी सिर्फ नाम ही काफी है। नाम का कुत्ता पालो साले, भागने को आता नहीं और काटने को आगे। हम फ्री फायर वाले बंदे ऐसे होते हैं, जहाँ चार बंदे दिखें वहाँ गाड़ी रोकते हैं और फिर उन चारों को ठोकते हैं। मुझको फ्री फायर से मोहब्बत होगी मेरे में। ना इलाज है ना दवाई है, ना इलाज है ना दवाई है, फ्री फायर तूने लोगों को अपनी ऐसी लत लगाई है। चाहे हमारे सामने SK साविर क्यों ना आ जाए, हम लड़ने से डरते नहीं है। और बेटा एक बार M10 आत्मा आ गई ना भाई, मेरे को माफ कर देना भाई, कल मैं मर गया। गेम वेम खेलने आता नहीं है साला नूब। नूब किसको बोला? नूब किसको बोला? बेटा हम नूब है तब तुम लोग को रिवाइव मिलती है, हम लोग जब मरते उसमें से लूटते तुम लोग है। सबसे पहले हम लोग तुम लोग को फर्स्ट देते, पट्टी देते, गोली देते, गन देते, सब हम करते। तुम क्या करते? बस प्रो बनते हम लोग को छोड़ के भाग जाते। हम है तो तुम है साले प्रो प्लेयर, खुद को तुर्रम का समझते। हम नहीं ना तो तुम। इससे मिलो, ये हमारी स्क्वाड का अखंड ड्राइवर है, गाड़ी चलाने से ज्यादा ठोकता है और सेफ खेलना तो इसने सीखा ही नहीं है। जहाँ दोस्त को लड़ रही हूँ वहाँ बीच में गाड़ी। नोबड़ो के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रहे हमें प्रो से लड़ना है, नोबड़ो के साथ नहीं। नोबड़ो के साथ भेदभाव ना करें बल्कि उनका देखभाल करें। प्रो से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हेल्थ किट, बैंडेज, एनर्जी ड्रिंक, शॉर्ट गन, इनका सम्मान करें, इन्हें पूरा सहयोग दें। इन सामानों का रखे ख्याल, प्रो से हम जीतेंगे हर हाल। अगर कोई फ्री फायर में अपने आप को प्रो सोचते हो तो अपनी ID कमेंट में लिख दियो, कसम से जिंदा गाड़ देंगे। अरे रितेश भाई, ये गन दे दो ना यार। अरे इवान भाई, तुमको जो दो गन दिख रहा है वो गन नहीं है, वो ग्लिच है, मेरे पास कोई गन नहीं है। अरे झाटू साला। अरे शर्मा सुनो ना। हाँ इवान भाई, आया, बोलो क्या बात है। अरे देखना, रितेश के पास दो गन है, उसको एक गन देने के लिए बोलना। रितेश सच बोल रहा है, उसके पास कोई गन नहीं है, वो ग्लिच है, मेरे को भी नहीं दिख रहा। झाटू सबके सब। तो फिर एक काम करो, गाड़ी में बैठो एंड अंडी मंडी संडी जो गाड़ी से उतरा। अब देख साले मैं क्या करता हूँ। अरे इवान भाई क्या करो यार, गाड़ी में आग लग जाएगी।
अरे वान भाई गाड़ी में आग लग गई। अरे 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 यार आग लग गई। मर बेटी चोट तू लोग, फिर देखता हूँ तेरे पास ग्लिच है या गन है। अरे वान भाई मारने की क्या जरूरत थी, गन मांगते ऐसे ही दे देते। ये वीडियो पबजी लवर्स और फ्री फायर लवर्स दोनों के लिए है। पबजी लवर्स जो है उन्हें कमेंट करना है और फ्री फायर लवर्स जो है उन्हें लाइक करना है। अब कौन ज्यादा बेस्ट है ये फैसला आपके हाथ में। फ्री फायर खुद में ही एक खतरनाक वाला गेम है और जो लोग कहते हैं ना कि मैं इसे आसानी से खेल सकता हूँ, बहुत ज्यादा नूबो वाला गेम है, उन्हें कहना चाहूंगा कि तुम लोग ना लूडो ही खेलो, तुम उसमें ही बेस्ट हो। अरे पबजी वालो, जितना पैसे का तुम्हारा फोन है ना उतने ही पैसे का हम फ्री फायर वाले महीनों में टॉप अप करते हैं। तो यार ज्यादा औकात औकात मत करो, तुम्हारा औकात। भाई आपसे एक हेल्प चाहिए था यार, एक मेरा दोस्त है यार वो बहुत गरीब है, उसके पास आलोक नहीं है, उसको दे दीजिए क्या? ठीक है बुलाओ। अरे आप ही अपने भाई है, आ गया भाई, देखिए यही है, बहुत गरीब है बेचारा, एक आलोक दे दीजिए इसको बस। गरीब बोलता है, तेरा साथ साथ तेरा खानदान का अकाउंट खरीदने का दम रखते हैं, आलोक तो दूर का बात है। मैं चाहता तो तुम्हारे बाद भी किसी और को अपनी जिंदगी में ला सकता था। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, पर क्या है ना, तुम नहीं तो तुम्हारे जैसी भी नहीं। नाराज मैं तुमसे नहीं हूँ, औकात देखी नहीं अपनी और तुझे अपना समझ लिया। तू कौन? पापा की परी। तो मैं माँ का मगरमच्छ। मेरे पेरेंट्स को तुम पसंद नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स से लड़ रहा हूँ, बिकॉज आई लव यू सो मच माई मोबाइल। अरे हम मर्जी के मालिक हैं, हमें मत कुछ कह, और जो कदमों में ना रखी हो ऐसी कौन सी यश है, कहते यहाँ तो जीत नहीं पाएगा। भाइयो जिस टीम से तू खेल रहा है ना उस टीम का कोच हूँ मैं। हम क्लास में पीछे बैठा करते थे लेकिन हर टीचर को हमारा नाम पता था, हमने कुछ तो ऐसा काम किया था। तुम आगे बैठकर किताबें चाटा करते थे, हम पीछे बैठकर मस्ती काटा करते थे, हमने स्कूल के उस पल को भरपूर जिया था। ये जो नए नए लौंडों के साथ तू फोटो खिंचवा रही है, ये मुझे जला रही है, अपनी औकात दिखा रही है। हम दोस्तों के लिए दिल तोड़ सकते हैं तो दुश्मनों तुम सोचो तुम्हारा क्या क्या तोड़ेंगे। एक दोस्त है मेरा जो मुझ पर जान देता है, वो एक लौती औलाद है मेरी जो मुझे हजारों की भीड़ में पहचान लेता है। मेरे जैसा नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ देखेगी, मुझे तो पसंद नहीं है, ये अपनी फुकरापंती कहाँ कहाँ फेंकेगी, और ये एटीट्यूड मुझे ना दिखा, मैंने दिखा दिया ना, मेरी डीपी भी अपनी सहेलियों के फोन में देखेगी। मोहब्बत में टूटे हुए दिल का दर्द लड़कों से पूछो, हंसते तो ऐसे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। के चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, के चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, और लाइफ में दोस्त नहीं तो जीने में क्या मजा। अरे कल मेरे आस पड़ोस के कुछ लोग कहते हैं कि फेमस तो कुत्ता बिल्ली भी आते हैं, साले भोकते खुद हैं, और ये वही लोग हैं जिनसे बराबर नहीं होती ना तो चार जनों के सामने बुराई करते हैं। वो तू मेरा मुकाबला करना है, ओ काका मम्मी को बोल कॉम्प्लेन पिलाए। जीना है तो ऐसे जियो कि अपने बाप को भी लगे कि मैंने शेर पाला। शेर के आने तक जंगल में बहुत सी बातें होती हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या कहता है, बस मैं जब सामने आता हूँ तब किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना काफी है, मुझे देख हर कोई चुप रहता है। शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जिन्होंने मुझे लाइक किया, के शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जिन्होंने मुझे लाइक किया, और शुक्रोस बेवफा का जिसने मेरे हाथों में मारा। जहाँ भी मिलूंगा देख के जरूर चौंकेगी, अरे गलती तेरी ही थी, किस किस पे इल्जाम थोपेगी, कहती बाकी सब ठीक है ये बता बेइज्जती करना कब बंद करेगा, मैंने कहा जब एक्टिवा ब्रेक से रोकेगी। बड़ा कमाल का दौर आया है मेरी जिंदगी में, लोग कोरोना से ज्यादा मेरी बातों से डरते हैं, और अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन में नहीं जिंदगी में ब्लॉक करो।